हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो रखेंगे और इम्पोर्टेंट रखेंगे जहां तक कि आपको नंबर मिल सके, ठीक है। बहुत सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट की बनी हुई है, IOCL पाइपलाइन की, अप्रेंटिसशिप की और रिफाइनरी की, तो वो देखिएगा, उससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे आज ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिक देखेंगे छोटी सी, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है। देखेंगे भाई, देखो आपको, आपने बॉयलर तो पढ़ा होगा, ठीक है, जिसका HPHL का जो वो है आपका बॉयलर टेक्नीशियन वालों के लिए वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, कि बॉयलर आपको याद होने चाहिए कुल मिला के। ये है तो देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे पहले जो अपना जो एग्ज़ाम होगा IOCL का पाइपलाइन का, उसमें देखो 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 75 क्वेश्चन, देखो 75 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से क्या डेटा रहेगा इसमें, सॉरी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में से 75 जो रहेगा डेटा वो रहेगा टेक्निकल, ठीक है, और 25 रहेगा वो नॉन टेक रहेगा, नॉन टेक रहेगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं आता, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये डेटा ध्यान रखना, बाकी हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट देखिएगा या फिर सर्च करना है आपको तो IOCL भाई MRK स्टडी पर जाना, तो आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। देखो सबसे पहले देखेंगे वाटर टिप बॉलर, फिर उसके बाद देखेंगे फायर टिप, सबसे पहले फायर टिप देखेंगे उसके बाद वाटर टिप। तो फायर टिप बॉलर क्या होते हैं, जिस ट्यूब के अंदर क्या जाती है, फायर जाती है, सराउंडिंग में क्या होता है हमारा, वाटर होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भाई, ये भाई देखो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं देखो लोकोमोटिव बॉयलर होता है, वेलकॉन बॉयलर होता है, कोकरन बॉयलर होता है, और कॉर्निश बॉयलर होता है, लंकाशायर बॉयलर होता है, स्कॉच मरीन बॉयलर होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 बॉयलर, वैसे और बहुत सारे होते हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन में जो आता है वो देखेंगे। तो हमारी जो ट्रिक है याद करने की वो क्या है भाई, ट्रिक है देखो, लव किया कोकोला से, ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है, लव किया कोकोला से। अब देखो इसको मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा, देखो LO से क्या बना हमारा, LO से मतलब लोकोमोटिव बॉलर बन गया, ठीक है, V से मतलब हमारा क्या बन जाएगा, वेलकॉन बॉलर बन जाएगा, ठीक है, किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किया को आपने क्या करना है, हेड रखना है, ठीक है। को से बन जाएगा हमारा क्या, कोकरन बॉलर बन जाएगा, फिर से को बन जाएगा तो हमारा कॉर्निश बॉलर बन जाएगा, ठीक है। ला से बन जाएगा हमारा लंकाशायर बॉलर, और इससे मतलब SCECO इस तरीके से आप याद कर लेंगे, साउंड मतलब वही आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा स्कॉच मरीन बॉयलर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, याद कर लेना, अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, तो लव किया कोको ला से, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे भाई, दूसरा देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, ट्यूब के अंदर वाटर जाता है, सराउंडिंग में हमारी फायर रहती है, तो ये हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए भाई, सबसे पहले देखो येरो बॉलर हो गया, ठीक है, येरो बॉलर हो गया, बेंसन बॉलर हो गया, उसके बाद देखिए लियो फिलर बॉलर हो गया, लामांट बॉलर हो गया, बेवकॉक एंड विलकॉक, ये साथ में ही आते हैं हमेशा, अगर बेवकॉक अगर आ गया तो समझ लेना विलकॉक्स भी साथ में आएगा, तो बेवकॉक विलकॉक्स साथ में आते हैं। उसके बाद स्टर्लिंग बॉलर, तो स्टर्लिंग बॉलर अब याद कैसे करेंगे, इनको याद करने का तरीका देखो, दो ट्रिक हैं इसमें। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, यारो बेंसन लोफर है इस तरीके से, ठीक है, यारो बेंसन लोफर है, तो है को आप क्या करोगे, हाइड करोगे, यहाँ पे यारो से बना तुम्हारा एरो बॉलर, ठीक है, बेंसन से बेंसन बॉलर बन जाएगा, लोफर से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा भाई लियो फिलर बॉलर, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद लामंट आ गया बस्ती में, ठीक है, ये दूसरी ट्रिक है मैंने ऐड कर दी है, वैसे आप चाहें तो कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो लामंट आ गया बस्ती में, देखो आ गया को हाइड करोगे, मैं हाइड करोगे, लामंट, लामंट से हमारा लामंट बॉलर बन जाएगा, ठीक है। बस्ती से हमें याद करना है, बस्ती मतलब क्या होगा, देखो बी ए हमारा साउंड आ रहा है बस बी ए, तो बेबकॉक एंड बिलकॉक्स हो जाएगा, ये साथ में रखना है हमें, याद रखना है, ठीक है। एंड टी एस टी आई का मतलब हो गया तुम्हारा स्टर्लिंग, एस टी आई हो रहा है ना, तो स्टर्लिंग बॉयलर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो रखेंगे और हम मेंटेनेंस को ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो आपको अगर मेंटेनेंस का वीडियो देखना है तो आप देखिए SPCL के वीडियो देखिए, आप मेंटेनेंस बाई MRK स्टडी डालिए, उस पर मेंटेनेंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखने की कोशिश करिए, ठीक है। बार बार वही वीडियो बनाने का मतलब मेरा मतलब वो नहीं रहता कि हम मैं वही वीडियो बार बार बनाऊँ आपके लिए, तो सही भी नहीं लगता। आप सर्च करो, नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आप एक काम करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, आप टेलीग्राम पर मैं डेली वीडियो डालूंगा, ठीक है,
जो ओल्ड वीडियो है। अब ये मत सोचना कि ओल्ड वीडियो के क्वेश्चन वो रिपीट नहीं होंगे, बहुत सारे रिपीट होंगे, 50% आपको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ हमारा जो कंपटीशन जो होता है, देखो 75 क्वेश्चन है, जो 75 जो क्वेश्चन है आप मान लो, और ये यहाँ पे 25 क्वेश्चन में से आप देखो रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी, इंग्लिश की भी क्लास चालू कर रखी है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो आप अगर 5 नंबर आकर इंग्लिश में लेके, 5 नंबर की या 5 से 6 आएगा तो 3 नंबर तो लेके आ जाओगे, 3 मैथमेटिक्स आ जाएगा, मैथमेटिक्स तो आराम से कर लोगे, फिर रीजनिंग भी आ जाएगी। तो 25 में से अगर मैं मान लूँ तो 15 से आप कम से कम 18 नंबर तो आप ले आओगे यहाँ तक, ठीक है, इतने नंबर लाना है। 75 में से भाई कम से कम 60 नंबर तो लेके आना है, 60+ होने चाहिए, ठीक है। 60 अगर मैं अगर 15 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 5 और 7 75 हो रहे हैं, फिर भी हमारे 60+ होने चाहिए यहाँ पे 18। तो लगभग कट ऑफ जो जाती है, रियली बता रहा हूँ मैं, इसकी कट ऑफ जो पाइपलाइन की जो जाती है, देखो फ्रेशर से वैकेंसी रहती है, फ्रेशर वाले डालेंगे और नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो कम से कम 75 से ऊपर ही जाती है, ठीक है, 75 से ऊपर ही जाती है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, स्टर्लिंग बॉयलर जो होता है, स्टर्लिंग बॉयलर होता है वो मल्टी ट्यूब बॉयलर होता है। कौन सा होता है? मल्टी ट्यूब बॉयलर, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बेंसन बॉयलर जो होता है उसमें कौन से बॉयलर में ड्रम यूज नहीं करा जाता, ठीक है। एक स्टीम ड्रम होता है, तो इसमें स्टीम ड्रम नॉट यूज, ठीक है, स्टीम ड्रम नॉट यूज, ठीक है। ये हाई प्रेशर बॉयलर होता है सबसे ज्यादा, तो क्या होता है भाई? हाई प्रेशर बॉयलर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे बताने के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर इनको अलग अलग लिया जाए पढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना ज़रूर, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद रहती है आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को, ठीक है। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हम, बहुत मतलब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, जय हिंद जय भारत।